सभी का फिर से स्वागत है और एक बार हमारे इस नए YouTube चैनल पे अपडेट योरसेल्फ। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें बिकॉज आज की तरफ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो इस चैनल में लाता रहूँगा। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली बीटेक स्टूडेंट के लिए है, ओके, और जो मकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो आप लोग शायद जान चुके होंगे कि मकाउट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक नोटिस दी गई है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं बेसिकली उन्होंने फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम दे चुके हैं, तो उसका जो और सेम तो शेष हो चुका है, बस उसका जो इवन सेम स्टार्ट होगा उसके लिए एक एनरोलमेंट नोटिस है, ओके। तो मेनली सेकेंड सेम एंड फोर्थ सेम का एनरोलमेंट, तो जो जो स्टूडेंट ने फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम दे चुके हैं वो ज़रूर अपना एनरोलमेंट कर लीजिए, ओके। तो एनरोलमेंट का जो डेट है देखिए यहाँ पे मेंशन है कि 21 फरवरी से 25 फरवरी, तो इस डेट के अंदर आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट फिल कर लीजिए, ओके। तो चलिए हम एनरोलमेंट प्रोसेस में जाते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होगा चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो पहले आप इस वेबसाइट में जाना, ओके, makoutexam.net पे। तो सिंपली गूगल में या फिर कोई भी ब्राउज़र में लिख लेना कि मकाउट नाम का। मकाउट लिखने के बाद आपका जो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा दैट इज दैट वेबसाइट, ओके। तो इस वेबसाइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक टू विजिट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल है ना इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिए। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो मैं करता हूँ, देखिए अब खुल चुका है मकाउट का जो ऑफिशियल पेज था। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो रेगुलर एनरोलमेंट फॉर्म है ना इसमें क्लिक करना है। तो चलिए आप सभी को दिखा दें, रुकिए एक मिनट, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, क्या क्या हो रहा है, रुकिए एक मिनट। तो अब डेस्कटॉप मोड हमने ऑन कर लिया, अब क्या करेंगे जो रेगुलर एनरोलमेंट फॉर्म है ना उसमें जाएंगे। अब उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेकंड सेम का जो मेनली एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें हमें क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एडिट एंड व्यू, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेकंड सेम का जो एडिट एंड व्यू सेक्शन है उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्शन इनकम्प्लीट, प्रीव्यू इनकम्प्लीट। तो हमको इसको कम्प्लीट करना होगा, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आप सब यहाँ पे जो दिखा रहा है जैसे कि एक मिनट रुकिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड प्रीव्यू, तो आप इसमें क्लिक कीजिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद देखें जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है मेनली रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये हमारा है, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, चूज़ कर लिए। अब फॉर सेकेंड सेम कंपलसरी पेपर हमारे लिए जो कंपलसरी पेपर है जैसे कि VSPH 201 फिजिक्स है हमारा, Physics 1 ग्रुप बी, एंड BSM 202 मैथमेटिक्स सेकंड मैथमेटिक्स 2B है, और ESCH 201 प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा उसके बाद HMHU 201 दैट इज़ इंग्लिश, एंड BSPH 291 Physics 1 लेबोरेटरी, उसके बाद ESCH 291 प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड ESME 292 उसके बाद जो HMHU 291 दैट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, सभी हैं मैनुफैक्चरिंग वर्कशॉप एंड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये सब है। तो हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, ये जो सेव बटन ग्रीन कलर का दिखा रहा है इसमें क्लिक करना है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, अच्छा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म द अबव इसमें क्लिक करना है, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देना है, ओके। तो जब आप सबमिट पे क्लिक कर दिए तो देखिए ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो रुकिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो चलो हमारा काम हो चुका है, अब हम लॉग आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर से एक बार लॉगिन करके चेक कर देंगे स्टेटस, ओके। तो लॉग आउट में क्लिक किया, देन फिर से स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया, देन फिर से लॉगिन किया, उसके बाद ये रेगुलर एनरोलमेंट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड सेम का हमारा एडिट एंड व्यू ऑप्शन है उसमें सेम टू सेम फॉर फर्स्ट सेम, तो अब हम हो गया हमारा काम। तो चलिए अब चलिए हो चुका है हमारा काम, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी आपका एनरोलमेंट कर लीजिए बिकॉज सेकेंड सेम का जो एनरोलमेंट वो आज से लेकर 25 फरवरी तक है,
तो एज़ क्विक एज़ पॉसिबल आप लोग एनरोलमेंट कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा कंटिन्यूसली, तो आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट के पाने के लिए। ओके, और एक चीज़ मैं अपडेट के बगैर मैं व्लॉग भी शेयर करता हूँ कुछ कुछ, जैसे कि हमारा कॉलेज का रिव्यू का या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ व्लॉग्स, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।